हेयर सिरप को बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए मेथी के दाने नियर अबाउट 15 ग्राम्स। 15 ग्राम्स के आसपास ही हमें चाहिए सूखी चाय की पत्ती, जिसे हम चाय की पत्ती बोलते हैं। एरोवेला जेल चाहिए जो हमारे बालों को हेल्दी बनाएगा। विटामिन ई की कैप्सूल हम यूज कर रहे हैं जो हमारे हेयर की ग्रोथ में हमारी हेल्प करेगा। और ये स्प्रे बॉटल है जिसमें मैं इस हेयर सिरप को डाल करके स्टोर करूंगी। आपके पास कोई भी ऐसी खाली स्प्रे बॉटल हो तो आप उसे यूज कर सकते हैं। हमें चाहिए मिनरल वाटर। सबसे पहले एक खाली बर्तन में हमने मिनरल वाटर को निकाल लिया। अब इसमें हमने जो 15 ग्राम्स के आसपास लिया था चाय की पत्ती वो ऐड कर दिया। इसके बाद हमने जो मेथी के दाने लिए थे 15 ग्राम्स वो ऐड कर दिया। इसके बाद हमने इसे बॉयल करने के लिए रख दिया। तब तक मैं आपको बताती हूँ कि मेथी आपके हेयर के लिए अल्टीमेट सॉल्यूशन होती है, क्योंकि मेथी में निकोटीन एसिड होता है, प्रोटीन होता है, जो आपकी हेयर ग्रोथ में आपकी बहुत हेल्प करेगा। इसमें भरपूर मात्रा में लेसिथिन होता है जो आपके हेयर की ग्रोथ में उसे साइन बनाता है और हेल्दी बनाता है। यह डैंड्रफ को भी ट्रीट करता है और हमारी हेयर ग्रोथ में हेल्प करेगा। और अब मैंने उसे छान लिया है और इसे आप कोशिश करें कि इस बीज को, ये जो आपका निकला है, इसे फेंके नहीं, इसे पेस्ट बना के अपने बालों में लगा लें। अब इस लिक्विड को थोड़ा ठंडा होने के लिए रख लें और इसमें 4 विटामिन ई की कैप्सूल ऐड करनी है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हमें इसमें 2 टीस्पून के आसपास हमें एरोवेला जेल ऐड करना है और सबको मिक्स कर अच्छे से मिक्स कर लेना है सबको मिलाकर। अब इसके ठंडा होने का वेट किया। उसके बाद हमने इसे जो स्प्रे बॉटल लिया है उसमें हमने इसे सारे सबको डाल करके अभी मैं बालों में स्प्रे करना है। अपने हेयर को 2 पार्ट में डिवाइड कर लें और इसे अच्छी तरीके से पूरे हेयर में लगाएं। उसके बाद अपने इफ यू लाइक माई वीडियो देन सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉर माई लेटेस्ट अपडेट एंड वीडियो प्रेस बेल आइकन, ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू सबसे पहले मिल जाए। और ये